शांत में मोर्चा जा रहे हैं, लेकिन खालसा जी ऐसे दिन आए और जिसन 31 वरे हो गए जून 1984 हिंदुस्तान की फौज सारे पंजाब भेज दिते गए और संत बाबा जरनैल सिंह जी तो साथियों श्री अकाल तख्त साहब से हमला करने वास्ते हिंदुस्तान की फौज चल के आ रही है। असी इंसाफ मंगते हैं, असी अपने किए हुए वायदे जो आगू आते हैं उन्होंने किए हुए वायदे के मुताबिक आजादी का निघ मानने वास्ते असी अपना हक मंगते हैं। हिंदुस्तान की फौज चढ़ के आ रही है, सारे पंजाब को सील किया तो बहुते वीर पता है, सारा पंजाब सील कर दिता गया है। केवल श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ही नहीं, जे संत जरनैल साहब मोर्चा तो अकाल तख्त साहब से लगा होया से, जे कोई लड़ाई सी तो श्री अकाल तख्त साहब से लड़ाई लड़ी जा रही से। जेडे 37 बाकी गुरु घर ने उन्होंने गुरु घर कौन लड़ाई लड़ रहा है कि उसे मोर्चा लगा होया से। एक गिनी मिसी साजिश के तहत 37 गुरुद्वारे ते श्री अकाल तख्त साहब से हमलावर होके हिंदुस्तान की फौज चढ़ के आई। जो कुछ उसे तांडव होया नाच होया वो खालसा जी अखरां दे बयान करन तो भी परे दूर की गल है। फौज तो होंगी है विरोधी दुश्मनों नाल दूजे देशों नाल अपने देश की स्वै रक्षा वास्ते लड़ाई लड़न वास्ते होंगी है, ना कि अपने मारन वास्ते फौजा होंदिया ने। जेड़ा भी अगे आया उन्होंने सटिया गोलियां का निशाना बने हैं, लेकिन बलिहार जाइए सूरमिया की उन्होंने संत बाबा जरनैल सिंह जी ने अगवाई जनरल शबेर सिंह की अगवाई जिसनों सारा लड़ाई का तजर्बा सी और जिसने दुश्मन के हथियार छुड़ाए सारे और वह बहादुर सूरमा संत बाबा जरनैल सिंह जी के नाल परछावेवार आ जुड़े हैं। जनरल शबेर सिंह मोर्चा बंदी उन्हें करवाई होगी क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे सारे। और जो खालसा जी लड़ाई लड़न शुरू हुई मुठी कपाल सिंह ने किन्नी की गिनती है, वध तो वध 50 सिंह होणगे ते 40 को होणगे तो वध नहीं। और जिहड़ा कलगिया वाले ने सानू बल बख्शिया सी चमकौड़ की गली विच सिखां नू बल बख्शिया सी। अज कुछ ऐसे नास्तक लोग कहिंदे सी 10 लाख का मुकाबला 40 भुखण बाणे किवें कर सकदे ने, चमकौड़ की गली का मुकाबला लोग कहते सी ये गल हो नहीं सकते। भावें सतगुरु ने अपनी कलम नाल जफरनामे की बाणी लिखिया कि तेरे मेरे 40 भुखण बाणे तेरा 10 लाख मुलखैया औरंगजेब है, पर साडे लोग मनन इस गल नूं तैयार नहीं सन। पर खालसा जी उस इतिहास ने अपने आप नूं फिर दोहराया, गिनती दे सिंघां ने हिंदुस्तान की जालम फौज के छके छुड़ा छड़े। ज्यों दे जी प्रकरण च कोई आ जाए और साडे ज्यौदियां नूं इस हरिमंदर साहब की कोई गिरवी कर जाए कदे वास्ते भी नहीं। जेड़ा जेड़ा के वधदा रहा सिंघां ने सत्थर विछा दिते फड़ के और घमसान का ऐसा युद्ध होया है।